हेलो एवरीवन, मैं आपको नहीं दिख रहा हूँ, कोई बात नहीं, अब दिख गया। तो यहाँ पे मेरे पास बहुत सारी ग्लो स्टिक्स, ये देखो। और आज के इस वीडियो में हम लोग इनके साथ कुछ ऐसा करने वाले हैं जो कि बिल्कुल भी ट्राई नहीं करना चाहिए, ठीक है। चार अलग अलग चीज़ें जो कि बिल्कुल भी ट्राई नहीं करना चाहिए। वैसे आपको पता ही होगा कि जो ग्लो स्टिक्स होती हैं दो अलग अलग केमिकल से मिलकर बनी होती हैं। जी हाँ, दो, एक के अंदर एक भरे हुए होते हैं। एक तो हाइड्रोजन पराक्साइड सोल्यूशन होता है, लेकिन दूसरा कुछ अलग अलग हो सकता है, जैसे कि फिनाइल ऑक्सीलेट ईस्टर या फिर कोई दूसरा केमिकल। तो जब ये दोनों मिलते हैं तो ये ग्लो स्टिक जलने लगती है। तो यहाँ पे आज हम लोग कुछ अलग अलग ट्राई करेंगे, जैसा कि इसके अंदर दो अलग अलग केमिकल्स हैं, दोनों को अलग अलग निकालेंगे और किसी ग्लास में मिलाएंगे, साथ ही माइक्रोवेव में रखेंगे, साथ ही इसे हीट करेंगे किसी ग्लास में, ना कि उसे बाहर निकाल के फिर दोबारा से हीट करेंगे। तो ऐसा ही बहुत कुछ ट्राई करने वाले हैं जो कि बिल्कुल भी कभी भी आपको ट्राई नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम लोग इनको हीट करने वाले हैं, क्योंकि हीट करने से जो इनकी जो रिएक्शन चलती है वो और भी तेज हो जाती है और इनसे निकलने वाली चमक भी और भी तेज हो जाती है। अगर इसी के उल्टे हम लोग इन्हें ठंडा कर दें, फ्रीज में रख दें, तो इनकी चमक बंद हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी धीरे धीरे। तो गैस टॉर्च को ऑन करते हैं। और देखना आप लोग, थोड़ा यहाँ पे मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है और आपको नजर आ ही रहा होगा कि इनकी चमक पहले की तुलना में कितनी ज्यादा तेज हो गई है। अब काफी अमेजिंग लग रहा है ना। फाइनली इनमें आग लग गई है। तो अभी इन्हें इसके अंदर जो अलग अलग केमिकल्स होते हैं उनको अलग अलग निकालने की कोशिश करने वाले हैं, बहुत ही सावधानी से। तो यहाँ पे मैंने इसके बाहर की ट्यूब को काट दिया है, अब इसके अंदर की ट्यूब को बहुत ही सावधानी से निकालना होगा। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आपको पता होगा कि इसके अंदर दो ट्यूब्स होती हैं, अंदर शायद एक कांच की ट्यूब होती है बहुत ही पतली और उसके ऊपर प्लास्टिक की ट्यूब होती है। तो दोस्तों, अगर आपके हमें पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं और उनको पढ़ाई करने में कोई मदद नहीं करवाता है, तो उनके लिए बहुत ही कमाल का ऐप और व्हाट्सएप नंबर। तो बच्चे लोगों को करना यह है कि सिंपली .net के व्हाट्सएप नंबर 8400400400 या फिर .net के ऐप का यूज़ करना है और अपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिर बायो के सवालों की फोटो को क्लिक करना, अच्छी तरीके से क्रॉप करना है और भेज देना है और तुरंत ही उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। तो बहुत ही कमाल का ऐप है, एक बार ट्राई जरूर से करना और आस पड़ोस में भी बताना। और ये ऐप अभी बहुत सारी स्ट्रीम्स को कवर करता है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे दी है। तो ये देखो, ये है इसके अंदर की ट्यूब ग्लास वाली, इसे सावधानी से निकालना है कहीं टूट ना जाए। तो जब भी हम लोग इसे मोड़ते हैं तो इसके अंदर यही वाली ट्यूब टूट जाती है, देखा जाए ये काफी खतरनाक चीज भी है। और यही दूसरे की ट्यूब, इसमें आपको कांच के लगने भुकने का भी खतरा होता है, तो पूरी तरीके से सेफ इस चीज को नहीं कहा जा सकता है। और ये इसके अंदर का एक केमिकल, तो ऐसा करते हैं इस केमिकल को इस वाले ग्लास में ले लेते हैं। ये मुझे लग रहा है हाइड्रोजन परऑक्साइड सोल्यूशन है, ऊपर से कट कर देंगे तो और भी आसानी से ग्लास में आ जाएगा। और जब इन दोनों को एक ग्लास में मैंने मिलाया तो ये नज़ारा देखने लायक था। ये देखो, मानो कोई जादुई लिक्विड हो, इस बात के लिए एक लाइक तो बनता ही है। फटाक से वीडियो को अभी लाइक कर दो अगर अभी तक नहीं किया है तो। तो ऐसा करते हैं इसके साथ कुछ और भी ट्राई करते हैं, जैसे माइक्रोवेव में रखना, इसे दोबारा से हीट करना। तो इसे हीट करेंगे दोबारा से गैस टॉर्च की मदद से। कमाल है। तो अब इसमें जो भी बचा है इसे माइक्रोवेव में रखते हैं, देखते हैं क्या ये और भी चमकेगा या नहीं। तो जी हाँ, गर्म होने के साथ ये और भी चमकने लगा।
आप लोग खुद देख लो, काफी मस्त लग रहा है ना। ओहो ये देखो, तो अभी ऐसा करते हैं इसमें पानी को मिक्स कर देते हैं। तो जब तक तो मैं पानी को मिक्स कर रहा हूँ, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और इंस्टाग्राम में भी आ जाओ भाई। तो ये पानी में घुला नहीं, एकदम ऑयल जैसा लग रहा है, कहीं कहीं चिपका हुआ है।